फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक भिंडी की बहुत ही अनोखी रेसिपी, जिसे आपने ना कभी खाया होगा, ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और मज़ेदार है, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है, एकदम यूनिक रेसिपी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, इस भिंडी की अनोखी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 150 ग्राम भिंडी। इनको अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद कपड़े से पोंछ लिया है। आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी में भिंडियाँ बहुत ही फ्रेश और अच्छी आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इनका ये ऊपर वाला पार्ट और ये आगे वाला पार्ट हटा लेंगे। और मैं यहाँ पे एक और दूसरी प्लेट ले लेती हूँ, इसमें मैं इन्हें कट कर लूँगी। छोटी छोटी कट करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी कट हम नहीं करेंगे। इस तरीके से ले लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सभी भिंडियों को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक बॉल ले रही हूँ। अब हम बॉल में 4 चम्मच ले लेंगे बेसन। मैंने 2 चम्मच लिया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट ओवर बेसन का घोल पड़ा हुआ है। आप 4 चम्मच ले लें, 2 चम्मच के बराबर मेरा ये घोल है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, और 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। अब हम इसे एक बार मिला लेंगे। हमने इसको मिला लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसके बिना गुठली वाला एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। जितना जरूरत हो उतना ही पानी डालें और इसको 1 मिनट तक फेंट लेंगे, ताकि इसमें जो भी कोई थोड़ी बहुत गुठली हो वो खत्म हो जाए। ये देखिए, मैंने लम्स फ्री घोल बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमने वैसे ही रखी जैसे पकौड़ी के लिए हम घोल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको रखा है। तो यहाँ पर हम अपनी भिंडी ले लेंगे। भिंडी मैंने बॉल में ट्रांसफर कर ली है और इसको हम भिंडी में डाल देंगे और भिंडी के साथ इसे मिक्स कर देंगे, अच्छे से कोट कर देंगे भिंडी में इसको। अब हम 5 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ताकि जो भिंडी है इसके अंदर सारे जो हमने इसके मसाले डाले हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। तो हमारी 5 मिनट हो गई हैं, इसके अंदर अच्छे से मसाले एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब हम चलेंगे अपनी गैस की तरफ। तो हमने पहले ही कढ़ाई को गैस पर रख दिया था, इसमें तेल डाल दिया था। अब हमारी जो भिंडी है इस तरीके से इसमें डाल देंगे, मीडियम गरम तेल रखेंगे, जैसे पकौड़ियाँ डालते हैं सेम वैसे ही इसको डाल देंगे, जितनी एक बार में इसके अंदर आ जाए। तो ये देखिए, इधर से फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे और 1 मिनट तक इन्हें इधर से भी फ्राई कर लेंगे। ये इधर से भी फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने दूसरे बैच की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे दूसरे भी भिंडी के पकोड़े बनकर तैयार हैं। दूसरे बैच के भी इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, इसको भुनने देंगे। जीरा हमारा भुन गया है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली थी, इनको बारीक काट के ले लिया है। इसको भी इसके अंदर डाल के हल्का गुलाबी कर लेंगे। हमारा लहसुन भी हो गया है गुलाबी। अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसको चॉपर में चॉप कर लिया है, इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे, चला देंगे इसको। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज हैं वो भी हल्की गुलाबी हो गई हैं। अब हम फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे। मैं इसमें यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती हैं लेकिन इनसे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची पाउडर। मिला देंगे और इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2 बूंद के बराबर डाल रही हूँ पानी, ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भून भी जाएं और जले भी नहीं। इनको मिला देंगे और 1 मिनट तक इन्हें हम भून लेंगे। हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं और ये देखिए कलर भी कितना अच्छा है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च ली थी, बहुत बारीक बारीक काट लिया है। अगर बच्चे घर में हैं तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। 1 टमाटर को मैंने कद्दूकस में घिस के लिया है, आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। इसको मिला देंगे अच्छे से। सभी जानते हैं टमाटर डाले हैं तो इसमें नमक डालना बहुत जरूरी है।